साइड वेंट चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो मैं पहले ऑफसाइड का वीडियो अपलोड किया था, साइड वेंट का प्रॉपर मेजरमेंट कैसा था वीडियो नहीं बनाया था। तो यहाँ पर हम आपको उसका प्रोसीजर कैसा मैं फॉलो करता हूँ और मेरा कितना आसान हो जाता है वो यहाँ पर लाइव देख सकते हो। हमको चाहिए था यहाँ पर 315 mm, जो कि 315 mm यहाँ पर है। ओके, और ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऑफसेट मैंने लिया था ऐसा 520 ऐसा 315। ओके, यहाँ पर इसका फॉर्मूला मैंने निकाला है कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, जो कि 515 यहाँ से इधर तक ले लिया। यहाँ पर देख सकते हैं ये 500 है, ये 15 mm है। ओके, ऐसा हमने लिया 320 mm, 320 यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, 320 लेने के बाद हमको क्या करना, यहाँ से एक मार्किंग लगाना है इधर तक, और हमारा ट्रेक 300 का है ना, तो 300 का हमने यहाँ पर मेजरमेंट कर लिया। देख सकते हैं यहाँ पर 300 है और एक यहाँ पर 300 है। ये 300 के साथ आपको मेजरमेंट करना है कितना mm का वी कट करना है। तो यहाँ पर 165 mm निकला, देख सकते हैं यहाँ पर इधर देखो 165 mm निकला। और दूर ले लो, यहाँ से यहाँ का दूर मेजरमेंट करना है जो कि सेकंड वी कट के लिए। यहाँ से यहाँ का दूर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 605 mm लिखा है, यहाँ पर देख सकते हैं 600 और 5 mm। ओके, वही हिसाब से 605 इधर है, 165 mm यहाँ पर देख सकते हैं, 160 इधर बता रहा है, कटिंग में 2 mm चला गया है। ओके, और ये हम कहाँ पर लगाने वाले हैं तो आ देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक्चुअली ये लगाने वाले थे, तो ये बराबर सेटिंग में देख सकते हैं, और वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जो कि ए साइड में ट्रे था और हमको ये वाल को लेके आना था, क्योंकि ये इधर मैं लगा दिया था पहले। ओके, वही हिसाब से मैं यहाँ पर एक प्लम डाला, प्लम डालने के बाद इधर से इसका मेजरमेंट किया। ओके, वही मेजरमेंट के हिसाब से ये निकाला है, तो यहाँ देख सकते,